तो कल इसी चुरू जिले के बेटे योगेश कुमार ने हंसते हंसते मातृभूमि पर प्राण न्योछावर कर दिए। ये बात इसलिए भी सार्थक हो जाती है कि कल उनके पिता की आंखों में आंसू थे और पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बेटा मरा, इस बात का दुख है, चार होते तो भी मैं देश पर ही कुर्बान करता। मैं आदरणीय कोठारी साहब को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये चूरू यहाँ पर कविता पढ़ना, आप में से जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरा अनुरोध है कि कुछ चंद मिनटों में हम मातृभूमि माँ भारती के सम्मान में मैं कुछ पंक्तियां रख रहा हूँ जो मुझसे माँ भगवती ने लिखवाई है। स्वागत है। और यहाँ पर कविता पढ़ना आदरणीय उत्तरदायित्व से भरा हुआ है, इसलिए कि राष्ट्रभक्ति और कलम की ताकत का परिचय जो चूरू ने दिया है वैसा संसार में और कहीं नहीं मिलता। मैं दो उदाहरण यहां पर रख रहा हूं। स्वागत। पहला, ठाकुर शिव सिंह जी, जिनकी प्रजा ने, जिनके राजघराने के लोगों ने जब 1814 में युद्ध हुआ और असला बारूद खत्म हो गया तो गहनों में प्रयोग होने वाली चांदी को गलाकर उसके गोले बनाए और दुश्मनों पर दागे। वाह। और राष्ट्रभक्ति को देखकर दुश्मन मैदान छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और वैसी ही कलम की ताकत भी इस चूरू ने ही इस दुनिया को दी कि जब चूरू के कवि का बेटा पिता की डांट से, मैं नई पीढ़ी को यह बात बताना चाहता हूं, मेरे जो युवा साथी हैं, पिता की डांट से जब वो घर छोड़कर चला गया, उस कवि ने कविता लिखना बंद कर दिया। एक दिन एक पोस्ट कार्ड आया, मुंबई के एक प्रोड्यूसर जो उस कवि को जानते थे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं तू मेरी फिल्म में गीत लिखो। कवि ने मना कर दिया कि मैं एक भारी दुख से जी रहा हूं, मैं नहीं लिखूंगा। उनकी पत्नी ने कहा कि खुद को कवि कहते हो तो ऐसा गीत क्यों नहीं लिखते कि तुम्हारा बेटा अगर सुने तो वापिस आ जाए। और तब रानी रूपमती में वो गीत आया था, आ लौट के आजा मेरे बीच, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। वो गीत भी इसी चूरू की धरती से निकले हुए कवि भरत व्यास ने लिखा था। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और आज प्रभा खेतान जी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जीन पॉल सार्त्र पर सबसे पहले किसी महिला ने पूरे विश्व में अगर पीएचडी की थी तो वो प्रभा खेतान जी थी। हम नारी अस्तित्व, नारी दर्शन, नारी साहित्य की बात करते हैं, नारी चेतना की बात करते हैं, महादेवी वर्मा, मनु भंडारी के बाद, यहां तक कि सिमोन द बुआ के पूरे साहित्य का जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, सेकेंड सेक्स का अनुवाद हुआ था, महिला उपेक्षिता, और जो पंक्ति सिमोन द बुआ की कोट करी जाती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि औरतें पैदा नहीं होती, औरतें बनाई जाती हैं, इस पंक्ति का हिंदी अनुवाद भी प्रभा खेतान जी की कलम से निकला था। ये चूरू का सौभाग्य है और इस धरा पर कविता पढ़ना इसलिए हमारा सौभाग्य है। मैं पंक्तियां जो लिख रहा हूं, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विश्वान हो, शंभु का विश्वान हो, राघव का शर संधान हो, या पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है, आज हमारे मंच को तोड़ने वाली नहीं जोड़ने वाली कविताओं की आवश्यकता है। साथियों, थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है कि प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर रंगित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए, रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। जानते हो क्यों तरक्की की डगर से हट गए? एक आदरणीय भी बार बार पर्ची भिजवा रहे थे कि राजनीति पर कुछ करिए, राजनीति पर कुछ करिए। इस देश में केवल दो लोगों को समझदार होने की जरूरत है, एक वो जो वोट देता है और एक वो जो वोट लेता है, बस इतनी सी बात है। जानते हो क्यों तरक्की की डगर से हट गए? राजनीति में दो शब्द हैं, राज और नीति। और दुर्भाग्य है हमारा कि राजनीति में से आज नीति जा चुकी है, सिर्फ राज बचा हुआ है। और क्यों बचा हुआ है मैं आपको बताता हूं। जानते हो क्यों तरक्की की डगर से हट गए? क्यों नजारे देश की उपलब्धियों के घट गए? अरे हम पे था दायित्व अपने मुल्क के उत्थान का और हम ये भूल धर्म और जातियों में बट गए।
और हम ये कुल धर्म और जातियों में कट गए। राही मासूम रजा साहब की जीवन की एक गाथा बताता हूं। राही मासूम रजा हिंदुस्तान के एक अजीम शायर जिनको सौभाग्य मिला महाभारत के संवाद लिखने का। करीब एक साल तक जब वो कार्यक्रम प्रसारित हुआ दुनिया भर से उनके पास प्रशंसकों की चिट्ठी आती थी जिनको पढ़कर वो जवाब देते थे। करीब एक साल बाद उनका एक मित्र उनसे यूं ही अनायास मिलने आया तो देखा ड्राइंग रूम में बड़े बड़े कट्टे रखे हुए हैं जिसमें कुछ कागज हैं। मित्र ने कौतूहलवश पूछा कि राही साहब ये क्या है? उन्होंने कहा हिंदुस्तान की मोहब्बत है। क्या मतलब? इसमें वो चिट्ठियां हैं जो मैंने पढ़ी हैं। ये सारी देश के उन लोगों ने लिखी है जिनको महाभारत पसंद आई। वो मुझे कहते हैं कि आपके संवाद के बाद मेरे बेटे मुझे पिताश्री कहते हैं, मेरी बेटी मुझे माताश्री कहती हैं। इसमें वो मोहब्बत है इन चिट्ठियों में। बात चलती की चाय पीने लगे दोनों दोस्त। दोस्त की नजर टेबल पर रखे एक और छोटे से गट्ठर पर पड़ी, वो भी चिट्ठियों का गट्ठर था। दोस्त ने फिर पूछा कि राही साहब ये कौन सी चिट्ठियां हैं? शायद ये वो होंगी जो पढ़ी नहीं है आपने और अभी तक जवाब नहीं लिखे हैं। आदरणीय मैं वो बात आप तक पहुंचाता हूं। राही साहब का जवाब हिंदुस्तान की जरूरत है इस समय। राही साहब ने कहा नहीं इनको भी पढ़ा है। राही साहब इसमें क्या है? इसमें नफरत है मेरे भाई। क्या मतलब? दोनों तरफ के कुछ लोग हैं। कुछ हिंदू कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुसलमान होकर श्री कृष्ण के ऊपर संवाद लिखने की। कुछ मेरे ही धर्म के लोग हैं जो कहते हैं कि तुझे तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, दोजख भी नसीब नहीं होना चाहिए। दोस्त को गुस्सा आ गया, उसने कहा राही साहब फेंकते क्यों नहीं हो इन चिट्ठियों को? राही साहब ने कहा नहीं, जानबूझकर टेबल पर रख रखा है। क्यों? ताकि मुझे हर वक्त ये एहसास होता रहे कि हिंदुस्तान की इतनी मोहब्बत के सामने नफरत की औकात इतनी सी है। वाह, जानते हो क्यों तरक्की की डगर से हट गए, क्यों नजारे देश की उपलब्धियों के घट गए? हम पे था दायित्व अपने मुल्क के उत्थान का और हम ये भूल धर्म और जातियों में पट गए। एक हैं हम रक्त मज्जा श्वास धड़कन प्राण से, अब एकता की ये छवि साकार होनी चाहिए। इतिहास के मानस पटल पर रंगी एक एक वर्ण की रक्त रंजित धड़क जैसी धार होगी। वाह, रक्त रंजित धड़क जैसी धार होनी चाहिए। ओ भले पहचान अलग पर नाम दोनों साथ हैं, काशी काबा और रहीमा राम दोनों साथ हैं। बांट ले कितना सियासत हम मगर ये ही कहेंगे ये सनातन धर्म और इस्लाम दोनों साथ हैं। ये इस वक्त इस देश की जरूरत है। एक जंगल में आग लगी हुई थी, सारे पशु पक्षी जान बचाकर भाग रहे थे। एक चिड़िया कहीं से जाती, चोंच में पानी भरती और फेंक कर आ जाती। हिरण वहां से गुजर रहा था, चिड़िया का उपहास करके बोला कि ये तो क्या कर रही है? उसने कहा आग बुझा रही हूँ। हिरण फिर हंसा और बोला तुझे लगता है तू आग बुझा लेगी? उसने कहा नहीं, लेकिन याद रखना आज के दिन का जब इतिहास लिखा जाएगा तुम्हारा नाम भागने वालों में होगा, मेरा नाम बचाने वालों में होगा। वाह, ये समय की जरूरत है। मैं पंक्तियां रखता हूं इस शेखावाटी की इस भूमि में। ऐसी क्या ताकत है, ऐसा क्या तारुण्य ताप है कि हंसते हंसते बेटे मातृभूमि पर कुर्बान हो जाते हैं? कि धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। धीर धर, धीर धर। एक माँ जब अपने बेटे का तिलकार्चन करती है उसे कहती है कि मैं अपना ध्यान रख लूंगी, तू मातृभूमि की सेवा करने जा, क्या भाव होते हैं उस समय? धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। ये वक्त की पुकार है, युद्ध का विचार है, शत्रु की दहाड़ है कि रक्त का खुमार है। सोच कर विचार कर ये स्वप्न तू साकार कर, खुद पे है यकीन अगर समक्ष आ प्रहार कर। भुज बलों में आग है, कंठ कंठ राग है, मुसीबतें विशाल है, ये वेदना का जाल है, ये तुझसे तेरा द्वंद्व है, यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ ले, सूर्य को झुका दे आज, कृत्य हो तो ऐसा हो उड़ीकता है ये समाज। शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है, नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे, न पथ पे आज तू ठहर, विजयश्री का है ये प्रहर। पार्थ की तरह तू मत्स्य के नयन को भेद दे, विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो। युवा शक्ति को समर्पित करता हूं ये पंक्तियां। विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, कर्म की सदैव तेरे हाथ में मशाल हो, तो फिर उठा कृपाण या कि ये कमान बाण, या कि आज हाथ को ही रूप खड्ग का तू धार दे। शत्रुओं के रक्त में नहा उठे वसुंधरा, तू
विजय पे आज अपने आप को ही वार दे। कटे जो रक्त तुंड शत्रु मंड कच 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 कटे जो रक्त तुंड शत्रु मुंड खच 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 तू चले तो धक 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 शत्रुओं का दल। भारती के लाल तेरी अप्रतिम मिसाल, क्योंकि तू सरल है तू सबल है तू अटल है तू अचल। यही तो है महासमर सागुरों सा ज्वार भर दिप्यमान सूर्य सा तू तेज ले ललाट पर प्रबुद्ध है प्रशस्त है प्रवीण है प्रखर पवन सा खुद में वेग भर प्रताप सा प्रताप धर तू प्रेरणा का पुंज बन प्रभा का बन तू पक्षधर लक्ष्य है विकट तू बड़ लहर लहर को चीर कर प्रेरणा का पुंज बन प्रभा का बन तू पक्षधर लक्ष्य है विकट तू बड़ लहर लहर को चीर कर लक्ष्य है विकट तू बड़ लहर लहर को चीर कर। भारतीय सैनिक के देशभक्ति के जज्बे से एक एक रोम रोम रोमांचित हो गया हो तो एक बार भारत माता के श्री चरणों में दोनों हाथों पर उठाकर तालियां हमारी विवेक जय जय उठो हिंद की तरुणाई ब्रह्मांड विजय के अवसर खोजो। वाह जो जीवन को कुंदन कर दे ऐसा पारस पत्थर खोजो। राका बोस यहाँ पर आए मैं प्रणाम करता हूँ बोस आपको। उठो हिंद की तरुणाई ब्रह्मांड विजय के अवसर खोजो। जो जीवन को कुंदन कर दे ऐसा पारस पत्थर खोजो और खोजो वो जो खोज सका ना आज तलक कोई जग में। अरे विश्व चकित है जिन प्रश्नों से उन प्रश्नों के उत्तर खोजो। वाह विश्व चकित है जिन प्रश्नों से उन प्रश्नों के उत्तर खोजो। एसएसबी का इंटरव्यू चल रहा था। 17 साल का नवयुवक इंटरव्यू देने पहुंचा। पैनल ने पूछा देश की सेना में क्यों जुड़ना चाहते हो। युवक बोला कि मैं माँ की सेवा करते हुए परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। सीनियर ने पूछा जानते हो कैसे मिलता है। बिल्कुल साहब युद्ध में वीर गति प्राप्त करने पर मिलता है। उसकी बात सर्वथा सत्य हो गई। युद्ध छिड़ गया और उसके सीनियर कर्नल ललित राय ने उससे पूछ लिया कि पहलवान इंटरव्यू का वक्त याद है जब कहते थे कि परमवीर चक्र जीतूंगा। मौका आ चुका है लेकिन एक बात बरबस खल रही है कि मान लो तुम्हारे मरने के बाद भी हम ये युद्ध हार गए तो। उस नायक का जवाब था सर सम गोल्स आर सो वर्ल्ड इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। कुछ लक्ष्य इतने बृहद विशाल विकट और विराट होते हैं कि हारना भी जिंदगी की उपलब्धि बन जाता है। हम लपट हृदय में ले शोलों सी अंगारों पर चलते हैं। कौन है इस देश के युवा। हम लपट हृदय में ले शोलों सी अंगारों पर चलते हैं। हम सिंहों के वंशज हैं संकट तूफानों में पलते हैं। हम भारत की आधारशिला भारत के भावी कर्णधार इस पूज्य भूमि के परम उपासक नव भारत के शिल्पकार। हम वीर शिवा हम छत्रसाल हम वीर शिवा हम छत्रसाल ले समर दुर्ग के द्वारपाल। हृदयों में आंदोलन विशाल हाथों में थाम कर की मशाल। हम रणभूमि पर शत्रुकाल तलवार एक कर एक ढाल। मस्तक पर शोभित तिलक लाल नयनों में दगकती प्रखर ज्वाल। वीर पराक्रमी महाबली हम भारत माँ के नौनिहाल। देश के उन्नत उज्ज्वल कल का देश के उन्नत उज्ज्वल कल का हम उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का हम नए दौर का चित्रण हैं। इस राजस्थान ने तो वो उपमाएं प्रस्तुत की है साहब कि रजपूती रजवटरी रणथल में बलिदानी परिपाट अटे। रजपूती रजवटरी रणथल में बलिदानी परिपाट अटे। पृथ्वी प्रताप हम मीर रतन राणा सांगा सम्राट अठे। जय मल फत्ता वो चंद्रसेन वो मारवाड़ रो दुर्गदास दोनों हाथा में लिया खड़ग लड़ तो सूरज मल जाट अठे। वाह दोनों हाथा में लिया खड़ग लड़ तो सूरज मल जाट अठे। जो हर के सरिये साकेरो साक्षी वो गढ़ चित्तौड़ अठे। लाड़ लगाकर घूर गिरी मरने की लागे होड़ अठे। कट करके नाड़ गिरी रणथल तन फिर भी लड़ तो
बंद है काका चैन मन ले लड़ता कल्ला राठौड़ अटे। वाह। बंद है काका जय मल्ल ले लड़ता कल्ला राठौड़ अठे संता सूरा को मान अठे रणबीरा को बलिदान अठे जुग जुग में आगी बाण अठे घर घली घना घमसान अठे गूंजे माटी के कड़कड़ में जय 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 राजस्थान अठे। जय 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 राजस्थान अठे। जय 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 राजस्थान अठे। ये है हमारा इतिहास। बहुत बढ़िया। क्या कहता क्या कहता ब्रह्मांड ये सूरज चांद सितारा क्या कहता संवेद स्वरों में बोलो जग सारा का सारा क्या कहता। अरे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का पार किनारा क्या कहता और सदियों के अभिलेखों में इतिहास हमारा क्या कहता कि श्रद्धा शक्ति निष्ठा संयम संबल स्वाभिमान की अमर प्राच्य ग्रंथों में उद्धृत गाथा राष्ट्र महान की स्वर्ग सरी की धरा ये नदियों खेतों की खलिहान की जहां फिजा में गूंजे ध्वनियां गीता और कुरान की। वाह वाह। जहां फिजा में गूंजे ध्वनियां गीता और कुरान की गगन चूमती ध्वजा है द्योतक आन बान की शान की इतिहासों में उत्कृष्ट प्रशस्ति प्राणों के बलिदान की कुरुक्षेत्र के महासमर में धर्म के अभ्युत्थान की चक्रव्यूह के मध्य अभिमन्यु के शर संधान की पांचजन्य की प्रबल गर्जना है प्रतीक ऐलान की महाशिखर से महासमर तक एक राष्ट्र निर्माण की एक कहानी कहती है ये जन जन के सम्मान की एक कहानी कहती गौरव वैभव स्वाभिमान की और एक कहानी कहती है ये वीरों के बलिदान की कि नरसिंहों की जननी है ये माटी हिंदुस्तान। राष्ट्रभक्ति का आज हृदय में ज्वार उठाना भीषण है प्रतिबिंब नई उम्मीदों का हम नए दौर का चित्रण है। ये है विवेक पारिक जी इनकी कई रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हुई है भारतीय इतिहास पर एक दिनों इनका गीत बहुत वायरल है हमारे ईश्वरों ने दुनिया ने जो नाम हमारा किया है चंद्रयान की जो सफलता है पूरे विश्व में जो हमें ऊंचाई पहुंचाई है युवाओं को प्रोत्साहन का इनका एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ है एक कवि का ये टेबल भी हो सकता है वतन की वंदना का उसके आप सबका मन हो कि एक दो बंद हमें सुनाए समय बहुत हो गया है पर सबका मन हो तो एक बार जोरदार तालियां एक बिल्कुल नए बहुत आभार आपका आप लोगों का इतना प्यार है तो हमारा भी मनोबल बहुत बढ़ रहा है धन्यवाद हारकन तो है पर बाकी बच्चे कन कौन है एकदम हारकन तो समय बहुत है बहुत बढ़िया ये नवल उत्थान उद्यम जागरण का दौर है ये नवल उत्थान उद्यम जागरण का दौर है जागो वतन के वीर ये आह्वान वतन का है हमसे शक्ति मेव शला का हम है विद्युत सा आवेग हमी फिर से तमनो मस्तक के सम्मान वतन का है हमसे हमसे द्वापर सतयुग त्रेता कलयुग के कल की हम हैं हर एक दौर में हर युग में उत्थान वतन का है हमसे और हमसे है साकार कल्पना भारत के स्वर्णिम कल की मन में ये भरो विश्वास की स्वाभिमान वतन का है हमसे मन में ये भरो विश्वास की स्वाभिमान वतन का है हमसे एक गीत इसरो पर और इस गीत का जो इसके लिखने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था वो निसंदेह देश के वैज्ञानिकों की वंदना थी हमारी अपनी कॉलेज MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर जहाँ से हमने जिंदगी के और शिक्षा के गुर सीखे वहाँ के हमारे कई सीनियर्स हमारे बैचमेट हमारे जूनियर उस टीम में रहे लेकिन इस गीत को लिखने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये भी है जो मैं आज चूरू के सुधी श्रोताओं के बीच में मैं संभवतः पहली बार किसी कवि सम्मेलन में इसको पढ़ रहा हूँ एक बार मैंने अपनी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों के बीच में पढ़ा था उसको सोशल मीडिया पर कई साथियों ने देखा इसको लिखने के पीछे उद्देश्य यह है कि ये जो नई पीढ़ी
जिनको अपने जीवन के सुनहरे स्वप्न सजाने हैं, वो जिंदगी की डोर को अपने हाथों से तोड़ कर जा रही है। ऐसे कई उदाहरण पिछले कई दिनों में राजस्थान, खासतौर पर कोटा शहर और मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में देखा जा रहा है। इस गीत को लिखने के पीछे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि चंद्रयान 2 की विफलता और चंद्रयान 3 की सफलता से एक भारतीय नागरिक क्या सीख सकता है। वाह वाह, बहुत सार्थक कि है सघन श्रम की, इसका इको थोड़ा सा बड़ा इको करते है, सघन श्रम की सकल तप की समन्वित साधना की, है सघन श्रम की सकल तप की समन्वित साधना की, ये कहानी एक नए भारत के गौरव गान की है, मान की सम्मान की विज्ञान अनुसंधान की है, चंद्रमा पर राष्ट्र के गर्वित विजय अभियान की है, सघन श्रम की सकल समन्वित साधना की। धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। एक व्हाट्सएप पर फोटो आपने जबरदस्त जरूर देखी होगी कि बैलगाड़ी पर हम सैटेलाइट लेकर जा रहे हैं, साइकिल पर हम सैटेलाइट लेकर जा रहे हैं, और 2017 में हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया था 104 सैटेलाइट, जिसमें 101 सैटेलाइट दूसरे देशों के थे उनका प्रक्षेपण करके। इसके पहले बल्कि 2 पंक्तियों में वो सार है कि क्या है सफलता होती है, निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति कैसे लक्ष्य को प्राप्त करता है। मैं फिर से अपनी बात रखता हूं, है सघन श्रम की सकल तप की समन्वित साधना की, ये कहानी एक नए भारत के गौरव गान की है, मान की सम्मान की विज्ञान की निर्माण की है, चंद्रमा पर राष्ट्र के गर्वित विजय अभियान की है, है सघन श्रम की सकल तप की समन्वित साधना की। इस सफर में हम चले थे आदरणीय भाई साहब, इस सफर में हम चले थे साथियों घुटनों के बल पर, इस सफर में हम चले थे साथियों घुटनों के बल पर, आज हमसे सीखता है दौड़ना सारा जमाना। वाह, इस सफर में हम चले थे साथियों घुटनों के बल पर, सबके हाथ संवेद स्वर में मुझे तो उत्सव हो जाएगा। इस सफर में हम चले थे साथियों घुटनों के बल पर, आज हमसे सीखता है दौड़ना सारा जमाना, हम गिरे गिर कर उठे हर बार नव उत्साह भर कर, हमने दुनिया को सिखाया जूझना और जीत जाना, याद है वो दृश्य सितंबर का, वो दृश्य याद कीजिए के सिवन साहब की आंखें भीगी हुई और राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अंतिम जब 200-300 फीट की ऊंचाई पर चंद्रयान का जो लैंडर था उसका संपर्क धरती से टूट गया, याद है वो दृश्य जो भीगा हुआ था मासूम, याद है वो दृश्य जो भीगा हुआ था आंसुओं में, ये उन्हीं आंसू की बूंदों से लिखे यशगान की है, है सघन श्रम की सकल तप की समन्वित साधना की, ये कहानी एक नए भारत के गौरव गान की है, मान की सम्मान की विज्ञान अनुसंधान की है, चंद्रमा पर राष्ट्र के गर्वित विजय अभियान की है, है सघन श्रम की सकल तप की समन्वित साधना की। आहा, आहा, आहा। ये सोमनाथ साहब से पूछा गया और मेरी नई पीढ़ी के जो मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो इस बात को अपनी जिंदगी में रख उतार लें, जो मेरे साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसको कहीं अपने डायरी में लिख लीजिएगा कि सोमनाथ साहब से जब पूछा गया कि ऐसा विवेक भाई, ये हर हिंदुस्तानी का गर्व इन मालाओं के रूप में आपके गले में आया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ साहब से पत्रकार ने पूछा कि 2019 की विफलता और 2023 की सफलता
आपने ऐसा क्या किया 4 साल में कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने की जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी आप वहां पहुंच पाए। तो सोमनाथ साहब मुस्कुराकर कहते हैं कि नहीं पता क्या किया, बस इतना जानते हैं कि इन 4 सालों में खाए भी चंद्रयान 3 के साथ, पिए भी चंद्रयान 3 के साथ, जागे भी चंद्रयान 3 के साथ, सोए भी चंद्रयान 3 के साथ, सोचा भी चंद्रयान 3 को ही था और सांस भी चंद्रयान 3 के साथ ही। इस बात को याद रखना कि जीतने की राह में तो हारना पहला कदम है। क्या पंक्ति है विवेक भाई फिर से? जीतने की राह में तो हारना पहला कदम है, ऐ सफलता ही सफलता के लिए तैयार करती। जीतने की राह में तो हारना पहला कदम है, ऐ सफलता ही सफलता के लिए तैयार करती। मार्ग के कंटक को जो राही समझता धूल पग की, मार्ग के कंटक को जो राही समझता धूल पग की, मंजिले मस्तक पे उसके ही विजय का ताज धरती। मंजिले मस्तक पे उसके ही विजय का ताज धरती। वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी की नहीं थी। आहा, आहा। वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी की नहीं थी। ये बदलते दौर के बदले से हिंदुस्तान की है सघन श्रम की, सकल तप की, समन्वित साधना की। ये कहानी एक नए भारत के गौरव गान की है, मान की, सम्मान की, विज्ञान की, निर्माण की है। चंद्रमा पर राष्ट्र के गर्वित विजय अभियान की है सघन श्रम की, सकल तप की, समन्वित साधना। धन्यवाद। अद्भुत, आपको लगा हो कि इस कवि सम्मेलन को गौरवान्वित करने वाली शिखर ऊंचाइयां भाई विवेक पारिक जी ने दी है, तो हमारी वैसी ही प्रेम की, श्रद्धा की, देशभक्ति की, सम्मान की तालियां। विक्रम भाई, विवेक भाई, चंद्रयान पर क्या अद्भुत पड़ा? हमारे एक कुनबे जन, हमारे छोटे भाई है राजकुमार राज, मुझे वो याद आते हैं, 2 पंक्तियां उनकी अगली पंक्ति पर आपको अपार गर्व हो, तो चंद्रयान के इस गीत पर आपकी तालियां उन तक पहुंचे। वो विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल में गया, दुनिया ने देखा पहली बार, हमने कर दिखाया दुनिया को, हमने मार्ग दिखाया, विश्व गुरु बनने की राह पर है। उन्होंने अध्यात्म की पहली पंक्ति उठाई है जिसको हम सब ने कई बार श्रद्धा से पढ़ा है और अगली पंक्ति माँ भारती के चरणों में सौंपी है। उन्होंने कहा कि महाविक्रम, महावीर विक्रम बजरंगी और चंद्र धराव हुई तिरंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने किया। और एक छोटा सा निवेदन है, आपने जो काव्य के खूबसूरत मोती यहां पर देखे हैं, एक सूत्र भी था जिसने इन मोतियों को पिरो के रखा था कि आज की इस शाम में 4 चांद लगे। अब उस सूत्र से मुखातिब होने का समय है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, जितनी आत्मीयता से आपने सुना है उतनी आत्मीयता से हमें इस कार्यक्रम के उस व्यक्ति को भी सुनना चाहिए जो नींव की पत्थर के रूप में, संयोजक के रूप में इस कार्यक्रम में रहे। कहीं दादा मासूम गाजियाबादी साहब लिखते हैं कि आपकी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें। मैं देश के जिन कोनों में कविता पढ़ता हूँ और कई बार लोग पूछते हैं कहाँ से हो, क्या रहते हो, कहाँ करते हो, तो मैं एक बात कहता हूँ कि हरीश हिंदुस्तानी जी का छोटा भाई हूँ। और ऐसा कोई काव्य प्रेमी मुझे आज तक मेरे जीवन में नहीं मिला जिसने उसके बाद मुझे पहचानने के बारे में और कोई प्रश्न मुझसे किया हो। ये सार्थकता कविता की है और मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूं दादा मासूम गाजियाबादी साहब की पंक्तियों के साथ कि आपकी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है।
विशुद्ध हास्य का पर्याय बनकर हिंदुस्तान में कविता का और शेखावाटी का परचम लहराने वाले हमारे अग्रज हरीश भाई साहब का एक बार हवा में लहराती हुई तालियों के साथ आप स्वागत करें।